स्ट्रॉन्ग लड़की थी पर पता नहीं ये क्यों हुआ है और कैसे हुआ है ये सब मॉडल के बारे में पता चलेगा। डेफिनेटली इसके पीछे बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे जवाब है। तो अभी वो इस दुनिया में नहीं है, शायद वो होती तो ये सब के सवाल का जवाब दे पाती। बट डेफिनेटली शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, वो ऐसे सुसाइड नहीं कर सकती। जितना मैं उसको जानती हूँ 5 साल से बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं सुसाइड कर सकती, कुछ तो रीज़न हो गए। आपकी बात लास्ट बात कब हुई थी? इट्स बीन मंथ्स। उसने सारी फ्रेंड से सबसे डिस्कनेक्ट कर चुकी थी, जो कोई भी इस
स्टेट नहीं कर सकता इस समय बिकॉज अभी पोस्टमार्टम बॉडी का हुआ नहीं है. सो आई वुड रिक्वेस्ट द इंटायर मीडिया, जो कोई भी कहीं भी न्यूज़ चला रहा है कि वो सुसाइड है या नहीं है, प्लीज़ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का आने का वेट कीजिए. लेट द पुलिस टेक इट्स कोर्स एंड फाइंड आउट, बिकॉज हम लोगों को नहीं मालूम कि एग्जैक्टली क्या हुआ. प्रत्युषा बैनर्जी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स और वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स ऑन टेलीविजन, एंड फॉर अ गर्ल सो स्ट्रॉन्ग सो वेल टू डू इन हर लाइफ, कोई जाकर अपने आप को ऐसे ही नहीं मार लेता. सो लेट द पुलिस डू इट्स वर्क, इट विल बी मच बेटर. 24 साल के पेरेंट्स यहाँ पे नहीं है, वो लोग कल आ रहे हैं, तो प्रत्युषा के पेरेंट्स को भी नहीं पता है. तो जैसे हम लोगों को नहीं पता, उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता. उनके पेरेंट्स अभी तक बॉम्बे नहीं पहुँचे, कल सुबह पहुँचेंगे और उसके बाद ही पोस्टमार्टम होगी और उसके बाद हम सबको पता चलेगा. एक्चुअली के पेरेंट्स को आई हैड कॉल्ड देम अप एंड राहुल आई थिंक हैज स्पोकन और नॉट स्पोकन, आई डू नॉट नो, बट वी आर स्टिल. की टिकट्स हुई नहीं थी, टिकट्स हुई नहीं थी, घरवालों की हम सब ने मिल के अभी कराई है, घरवालों की टिकट्स कराई हैं और वो लोग कल यहाँ पे आ रहे हैं. और जो भी बातें हो रही है, मुझे लगता है कि अगर एक बार राहुल आ जाएगा तो बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी. हम सब ये सब डिटेल्स नहीं मालूम होंगी. देखिए हमें भी कुछ इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स मालूम नहीं है कि उनको कौन बॉडी लेके उनका लेके आया. जहाँ तक हमने सुनने में आया है, जो हमें यहाँ पे लोगों ने कहा है कि राहुल लेके आए थे, लेकिन उसके बाद जब हम लोग पहुँचे उसके बाद यहाँ पे कुछ मिले नहीं उनका. हमने फ़ोन ट्राई किया था तो फ़ोन बज भी रहा था. कुछ लोगों ने उनसे बात भी की और उसके बाद आधे घंटे के बाद राहुल का फ़ोन बंद हो गया. वो किसी को मालूम नहीं कि कहाँ है. जैसे हमें लग रहा है कि राहुल ना इस पूरे मसले से भाग रहे हैं, आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है? चूँकि हम लोग फ़ोन करें वो भी नहीं उठा रहे हैं, पुलिस वाले उनका फ़ोन स्विच ऑफ है, तो किसी को ये नहीं मालूम है कि बैटरी चली गई है या नहीं गई है. पर हाँ, उन्हें यहाँ होना चाहिए था, वो यहाँ नहीं है. दैट इज़ द पॉइंट ऑफ कंसर्न. सो आई एम श्योर पुलिस विल गो अहेड एंड फाइंड द ट्रुथ बिहाइंड इट. राहुल इज मिसिंग, वी ऑल वर वेटिंग फॉर हिम, ही इज नॉट हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आप लोग लास्ट टाइम कब मिले थे? आप दोनों एक्चुअली हम लोग शायद एक महीने पहले या 15 दिन पहले, आई डोंट नो एग्जैक्ट टाइम क्या था, दोनों 14 फेब को शायद वो लोग घर पे भी आए थे हमारे और वो लास्ट हम मिले थे और उसके बाद हम मिल नहीं पाए उनसे. बट गुरमीत, वाज शी हैप्पी विद राहुल? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर रिलेशनशिप? आप लोग मिले थे तो आपको लग रहा था वो तब तो सब कुछ खुश थे, तभी सब दोनों साथ में थे. बस आज का कंसर्न यही है कि राहुल, हम सब हम राहुल का इंतजार कर रहे हैं. गुरमीत, लास्ट सवाल, आप इतने करीबी रहे हैं, प्रत्युषा बैनर्जी किस तरह की लड़की थी, किस तरह की ब्रेवरी उनमें थी, जो ये कुछ शेयर करना चाहेंगे? वेल, ये बोलना बहुत ही मुश्किल है कि ऑफकोर्स प्रत्युषा ने बहुत अच्छा काम किया है. उसके बाद ये समझ ही नहीं आ रहा है हम सभी को कि क्यों हो गया, क्यों सुसाइड किया उन्होंने. कोई रीज़न तो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन ऑफकोर्स हम सभी का सबसे बड़ा यही प्रश्न है कि हम अगर राहुल अगर मैं मिल पाता, और क्योंकि मैं यहीं पे हम लोग जॉगिंग कर रहे थे, जब न्यूज़ आया तो हम कुछ 2-3 लोग हम लोग यहाँ पहले पहुँचे थे और हमने सबसे पहले राहुल को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन राहुल का कोई पता नहीं चला. फ़ोन एक बार ट्राई किया लेकिन मिला नहीं. अब हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं राहुल का मिलने का. वो सबसे ज़्यादा बता पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ. आप लोग इंडस्ट्री में इतने सालों से, क्या ग्लैमरस लाइफ ऐसी है कि आदमी इतना मजबूर हो जाता है कई बार? वेल, आई डोंट नो इसके बारे में. आपको मुझे लगता नहीं कि बहुत ऐसा कभी हुआ नहीं है, बहुत कम होता है. मुझे सीरियसली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हम सभी बहुत ही ज़्यादा सदमे में हैं और किसी को यकीन नहीं होगा. थैंक यू. थैंक यू. आराम से करो, एक मिनट रुक जाना, एक बाइट. हाँ, एक सेकंड, एक बाइट कर लेते हैं, एक बाइट. थोड़ा पता क्या होती क्या चीज़. देखिए, मुझे लगता है कि मीडिया को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और जो न्यूज़ दिखा रहे हैं वो सही न्यूज़ दिखानी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी चला दिया है कि सुसाइड केस है, जिसका अभी तक मुझे लगता है ये जल्दबाजी में आप लोग कह रहे हैं. अभी तक पंचनामा चल रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आया, अभी हुआ ही नहीं है, तो आप लोग इसको सुसाइड कैसे कह सकते हैं? कुछ और भी हो सकता है. आप लोग काफी पंचनामा जिन्होंने
लोगों ने न्यूज़ चलाया कि उसकी माँ मिली है, माँ जबकि अभी तक मुंबई पहुँच चुकी है और रास्ते में, तो आप लोग न्यूज़ जो चला रहे हैं आई डोंट नो किसके कहने पे आप लोग, नहीं मेरा एक और सवाल है, ये सवाल है आखिर आखिर टाइम पे प्रत्युषा को हैंग होते हुए किसने देखा, उनके बॉयफ्रेंड का नाम राहुल है, अगर उन्होंने देखा है और वो लेकर यहाँ आए हैं तो वो उनसे बात क्यों नहीं कर रही है मीडिया, उनको क्यों नहीं कोई खोज रहा है, क्योंकि हम लोग बात करने का फोन कहाँ है, बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सारे क्वेश्चंस है और मुझे लगता है ये जितने भी सवाल आप लोगों से पूछ, हम लोग फ्रेंड्स हैं उनके, हम थोड़ी बहुत बातें जानते हैं क्योंकि दोस्त हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छे से अगर कोई जानते हैं तो वो है राहुल, तो राहुल एक ही क्वेश्चन है कि राहुल कहाँ है, रतन बिल्कुल आप जायज हैं, आप उनके करीबी रह चुके हैं, आप सभी दोस्तों के काफी करीबी रह चुके हैं, डिप्रेशन के टाइम में कहीं कुछ उन्होंने शेयर किया है आप लोगों को, कौन डिप्रेशन में है, कौन है, किसने बोला डिप्रेशन में है, वो क्योंकि उनका लास्ट व्हाट्सएप स्टेटस ये था कि उनका फोन गायब है, आपको मालूम मालूम होने किया होगा अपलोड, आपको इसके बाद का पता जाने 18 दिन से चाहे वो 18 दिन से स्टेटस हो, अगर किसी का दिल टूटता है या कुछ प्रॉब्लम होती है और अगर नहीं मेरा ये भी कहना है सुसाइड कर लेता है या चीजें कर लेता है, लेट द सुसाइड रिपोर्ट बी डिसाइडेड बाय पोस्टमार्टम एंड देन डिसाइड whether कि सुसाइड हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। रतन काफी हंसी खेलती एक एक्ट्रेस थी, और कुछ शेयर करना चाहेंगे उनके बारे में कि किस तरह की, मैं फिलहाल कुछ भी शेयर नहीं करना चाहूंगी, सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग सही न्यूज़ दिखाएं और लोगों को सही न्यूज़ ही पता चले। पर रतन जो आपने बिल्कुल कहा कि ये जो मम्मी आई हुई है, ये हमें मम्मी नहीं आई है, मैं वही कहना चाह रही हूं, और आप ही के किसी एक्ट्रेस ने ही कहा है कि मतलब मम्मी आई, इसलिए हम लोग चला रहे हैं, और बाकी हम कोई चीज ने कहा है उनको शायद मालूम नहीं है, उनकी मॉम से आज सुबह मेरी सुबह बात हुई है, अभी शाम को हुई है, उनके टिकट्स कल के कराए गए, वो अभी तक अपने घर पे हैं, वो कलकत्ता भी नहीं पहुंची हैं, उनकी कलकत्ता से फ्लाइट होगी, वो कल यहाँ पहुंचेंगी। प्लीज ऐसी चीजें ना बोलिए जो कि उनकी माँ को, उनको कॉल्स आ रहे हैं, वो एक उनकी इकलौती बेटी थी, वो जिनको इतने टॉर्चर के साथ वो गुजर रहे हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ के समय जो यहाँ पहुंचेंगे कल, प्लीज हैव सम डिसेंसी बिकॉज व्हाटएवर यू आर सेइंग इज अफेक्टिंग द फैमिली डायरेक्टली एंड शी वाज द ओनली डॉटर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम थोड़ा सा सेंसिटिव हों इस सिचुएशन में, शी वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स ऑफ आर कंट्री ऑन टेलीविजन, शी इज नो मोर। रतन क्या लगता है, रतन क्या होगी, पुलिस से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है, और एक बार जब वो पंचनामा हो जाएगा उसके बाद में सारी जानकारी सबको मिल जाएगी, बिकॉज मैं हो जाएगा छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, बिकॉज ये चीज़ें हम कोई नहीं बोल सकता, बिकॉज जो एग्जैक्ट रीज़न होगा ये कोई भी पता नहीं सकता, क्योंकि जब मौत होती है किसी की तो यार हम सिर्फ सोच सकते हैं कि ये हुआ होगा, लेकिन अगर ये नहीं हुआ होगा तो फिर उसके बाद क्या, तरह तरह के स्पेकुलेशन हैं, बताया जा रहा है कि उनकी बॉडी को लेकर खुद उनके बॉयफ्रेंड राहुल आए हैं, लेकिन अब तक राहुल ना तो मीडिया से मिले हैं ना तो किसी फिल्म फैटर है, आपको उसके लिए थोड़ा जल्दी आना चाहिए था जब राहुल यहाँ पे था, और जब वो निकल गया था तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तो खुद इधर रहता लेट हुआ, मैं शूट कर रहा था उसके बाद यहाँ पर आया, सो आप लोग को आई थिंक थोड़ा जल्दी आना चाहिए, तो आप उसको पूछ सकते थे कि हुआ क्या था। थैंक यू सो मच। एक ही कॉमन बाइक ले, एक ही चल चल चलो, क्या कुछ लग रहा है आपको?
बहुत शौक हुआ है। देखें, बहुत ही शौक हुआ है। मैं अंदर जाके देखा। हिंदुस्तान की जनता, टेलीविजन की सुपरस्टार आनंदी प्रत्युषा बैनर्जी इस दुनिया में नहीं रही। ये शौक है हम सबके लिए। मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, अभी जाके मैंने अंदर देखा उनकी बॉडी। लास्ट बेड पे, इमरजेंसी वार्ड में उनको लास्ट बेड पे रखा है उनकी बॉडी को। अभी हमें उनके चचा का स्टेटमेंट लिया जा रहा है एंड अभी उनकी शक्ल देखने लायक नहीं है। इतनी खूबसूरत लड़की, उसकी शक्ल देखने लायक नहीं है। अभी एकदम होंठ काले हो चुके हैं, गले पे पूरे, यहाँ पे पूरे गले पे निशान है, मांग में सिंदूर है। देख, मांग में सिंदूर है, मतलब आप सब समझ रहे हो कि शादी करने की इच्छा थी उनकी, उनका बॉयफ्रेंड। हमें अभी अंदर पुलिस से मेरी बात हुई और अभी पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड राहुल उसका फ़ोन लेके चला गया है। मुझे सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है कि अगर वो उसे प्यार करता था, उसका फ़ोन लेके क्यों चला गया और यहाँ पे खड़ा क्यों नहीं रहा। वो पीछे खड़े होके हंस रहा है और चिप्स खा रहा है बैक रोड पे, एम आई राइट? देखिए, यहाँ पे वो बैक रोड पे खड़ा हुआ, चिप्स खा रहा है और पुलिस ने उसे फ़ोन किया तो झूठा झूठा रो रहा है। अगर वो उसे प्यार करता था, सच्चा प्यार था, जो भी था, वो सामने आके खड़ा होना चाहिए था। फ़ोन क्यों लेकर गया, ऐसे फ़ोन क्यों लेकर गया और क्या क्या चीज़ें डिलीट करी है। मैं ओशिवारा गोरेगांव पुलिस स्टेशन, जो पुलिस है, उनको कहना चाहती हूँ कि सब कुछ रिकॉर्ड, जो प्रत्युषा के फ़ोन पे कॉल रिकॉर्डिंग था तो वो डिलीट इसने कर दिया है। सब कुछ मैसेज भी सबको डिलीट कर दिया है, फ़ोन बंद कर दिया है, तो सब कुछ कॉल रिकॉर्डिंग निकाले और पूरी वॉइस निकाले। ये एक्स गर्लफ्रेंड और ये सब, सलोनी शर्मा का भी नाम आ रहा है इसमें। पुलिस स्टेशन में उनको बुलाया जाएगा। दीपक जी से, जो पुलिस है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसे भी फ़ोन कर रहे, उसका भी फ़ोन बंद है और राहुल का भी फ़ोन बंद है और उसे बुलाया जाएगा। क्योंकि वो चाचा जी से वो स्टेटमेंट ले रहे हैं वहाँ पे अंदर पुलिस। हमसे मिलने नहीं दिया, हम मिलना चाहते थे लेकिन हमको अलग रखा, हमें सिर्फ बॉडी देखने दिया। बाहर पीछे घूम के चिप्स खा रहा है। हाँ, अभी इधर, अभी तो था। हाँ हाँ, पुलिस ने अभी हमारे सामने फ़ोन किया था तो रो रहा था। हम लोग होली के टाइम पे, भाई हमारे जो हैं चरिश्मा स्पा में, इन्होंने स्पॉन्सर किया था होली, तो होली पे हम लोग साथ में ही पूरे मिले थे और उन्होंने मुझे ये कहते, मुझे दुख हो रहा है कि प्रत्युषा ने शादी का जोड़ा बनाया था रोहित वर्मा डिज़ाइनर से। मेरा भाई अंदर रोहित वर्मा, वो भी रो रहा है कि मैं अभी तो शादी की बात हो रही, भी शादी करने वाली थी, शादी का जोड़ा बनाया था और अभी भी पोस्टमार्टम में बॉडी गई नहीं, मांग में सिंदूर लगाया हुआ है लड़की। सिद्धार्थ हॉस्पिटल में ले जाएंगे शिफ्ट करके, क्योंकि वो मुर्दा घर में रखना पड़ता है ना, आइस में रखना पड़ता। सिद्धार्थ हॉस्पिटल ले जाएंगे। वो उन्होंने हमको कहा था सरप्राइज है, आपको शादी पे आना है, लेकिन बस अभी जल्दी होने वाली ही थी। शादी के लिए तैयारियां थी, सब कुछ तैयारियां थी, शादी का जोड़ा बन गया था, बहुत सारी चीज़ें बुक हो गई थी। सडनली ये क्या हुआ, ये पूरा झगड़ा हुआ है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आपको सब पुलिस सब बता देगी। कल आप वापस आएंगे सुबह? मैं, हम लोग यहाँ नहीं है, अभी आएंगे प्रत्युषा को सिद्धार्थ हॉस्पिटल में और फिर वहाँ पे पोस्टमार्टम होगा, उनके माँ बाप को भी। और उसके एक मिनट सर रुकिए ना सर, और उसके बाद, उसके बाद कब होगा, उसके बाद कहाँ लेके आएंगे, कुछ ऐसा बताया, घर पे या कहाँ पे? जी बोलिए। हम लोग होली पे हम लोग मिले थे सब जगह, हम लोग ने विश किया था इवेंट में। सिद्धार्थ उस पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहीं पे उन्होंने बोला अभी तो ले जाएंगे, वहाँ पे रखेंगे, पोस्टमार्टम भी वहीं पे करेंगे, आगे का नहीं बताया पुलिस ने कुछ हमें। शॉकिंग
important for us to because we actually thought it's just a April Fool thing but or we just want to say one thing that किसी ने बॉडी नहीं देखी है और जो लोग कह रहे हैं कि बॉडी देखी है और पता नहीं क्या क्या देखा ये था वो था बॉडी पे वो सब रॉन्ग है और कोई भी अगर कुछ भी बोल रहा है कि ये हुआ है या सुसाइड हुआ है या किसी ने ऑल बुलशिट किसी ने बॉडी नहीं देखा है जिन्होंने देखा है उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं बोला बिल्कुल ऐसे नहीं बोला है and those who are not even close to pure rose they don't even know pratyusha are just doing these things which is really wrong vishal aap is sthiti mein nahi hai baat karne ke liye ek share ek cheez share karna chahenge pratyusha kis tarah ki ladki thi kis tarah ki insaan thi yaar what question you all are asking yaar this is wrong obviously achhi thi itne liye to sab aake khade hai na unke liye aise thodi ho jayega wo aap miss kar rahe hain hamara vacation bhi hai yaar obviously hum sab yahi soch rahe hain ki wo kyun nahi yahan pe he should have been here for sure yaar Like, seriously, there's something... मुझे तो पूरा ही यकीन है कि उसके पीछे उसी का हाथ होगा क्योंकि उसने ऐसे मासूम लोगों को भी हमेशा पुलिस के झांसों में फंसा देता है वो लीगली लोगों को भारी पड़ जाता है जो शरीफ है वो हमेशा डर जाते हैं इन सारी चक्करों से पुलिस स्टेशन से इनसे उनसे डर जाते हैं बट ये बंदा इतना शातिर है कि अच्छे जो शरीफ लोग होते हैं जो साफ लोग होते हैं उन्हीं को पुलिस के चक्करों में फंसा करके उनको उलझा देते हैं मेरे से उसने मेरे से पैसे लिए थे फिल्म के नाम पे फिल्म फाइनेंस के नाम पे मेरे से 25 लाख लिए थे जो कि आज तक उसने रिटर्न नहीं किया है आपको क्यों लगता है कि प्रतिशा बनर्जी की मौत के पीछे राहुल क्योंकि जैसे कि मैं न्यूज़ देख रही हूँ अभी तक न्यूज़ में ये आ रहा है कि उसके गले पे निशान नहीं है बट उसके सर पे निशान है तो कहीं ना कहीं तो ये हम डाउट ही कर सकते हैं अभी तो कि ये कहीं ना कहीं उसका उसमें हाथ है और राहुल का कैरेक्टर तो मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ कि राहुल का कैरेक्टर तो बहुत ही थर्ड क्लास है जिसकी कि कोई मतलब कोई सीमा ही नहीं है वो इंसान ही गलत है बट ये था कि अब तक उसके खिलाफ पुलिस भी ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई जिस जोन में मेरा केस था मलाड पुलिस स्टेशन में वहाँ के डीसीपी से लेके एडिशनल सीपी से लेके हर किसी को पता है उस बंदे के कैरेक्टर के बारे में तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि वो बंदा कैसा था मलाड पुलिस स्टेशन में जी हाँ आप ये कह सकते हैं बिल्कुल मेरे पास तो यही जानकारी है कि वो बंदा बचना नहीं चाहिए क्योंकि उसने बहुत लोगों के साथ गलत किया है और अगर इसमें उसका हाथ है तो उसे बिल्कुल भी खुली छूट ना दी जाए नहीं वैसी कोई कोशिश नहीं की है उसने बट मेरे साथ तो ऐसा था कि पैसों का व्यवहार था और मुझे पता चल गया था कि उसने फ्रॉड किया बट मुझे बाहर से तो बहुत सारी न्यूज़ उसके साथ आती जाती रहती थी मेरा नाम हीर पटेल है कम एज में ये सब चीज़ें हो जाना बड़ी तकलीफ है या बात करें आज काफ़ी घटना घटी है क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में सर मैं क्या कहूँ मैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शब्द ही नहीं बचे कुछ बोलने के लिए बहुत ही दुख भरी खबर ही है पूरे हिंदुस्तान के लिए है मैं खाली हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं बोलूँगा क्योंकि वो एक ऐसी स्टार थी कि उसको आप लोगों ने स्टार बनाया उसको मीडिया ने स्टार बनाया हिंदुस्तान की आवाम ने जनता ने स्टार बनाया है इतनी बेहतरीन अदाकारा थी इतनी बेहतरीन फनकारा थी शी वॉज़ अ वंडरफुल ब्रिलियंट एक्ट्रेस शी वॉज़ अ किड एक छोटी बच्ची थी अभी यार वो अभी तो उसको बड़ा होना था बहुत सारा काम करना था बहुत नाम कमाना था अपने माँ बाप का नाम और रोशन करना था बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका किस्मत में जो लिख के आया है उसको आप बदल नहीं सकते तो शायद इतने दिन का ही साथ लिखा था उनका हमारा हिंदुस्तान की जनता के साथ इस दुनिया के साथ और इट वॉज़ वेरी शॉकिंग दिस इज़ जस्ट सो बैड
मैं फिर से बोलूँ कि अब हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारी फैशन इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री के बाहर जो इंडस्ट्री हैं और जितनी भी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कहीं भी किसी को अगर ऐसा लगता है कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं, आपको मायूसी रहती है, आप खोए खोए से रहते हैं, तो प्लीज़ गो टू द डॉक्टर एंड कंसल्ट, बिकॉज दिस इज़ अ मेडिकल प्रॉब्लम. डिप्रेशन इज़ अ मेडिकल प्रॉब्लम. लोग इसको लाइटली ले लेते हैं कि नहीं नहीं अल्कोहल पी लेंगे सही हो जाएगा. नहीं सही होता है यार. जब अल्कोहल पीते हैं आप तो थोड़ी देर के लिए आपको लगता है हाँ सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अगले दिन वो सारी प्रॉब्लम दोबारा फन उठा के खड़ी हो जाती है. तो आप हाँ, मैं इसका एक जवाब आपको देना चाहूँगा सर. क्या होता है कि हमारा बॉलीवुड जो है ना, हमारे बॉलीवुड में जो एक्टर्स होते हैं, हम लोग जो होते हैं, हम लोग काम करते हैं, और काम करते हैं जब तो पर्दे पर दिखता है. पर्दे पे जब दिखता है तो उसको लाखों करोड़ों लोग देखते हैं और हम स्टार बन जाते हैं. तो जब हम स्टार बन जाते हैं तो हम जब छींकते हैं तो ये मीडिया का शुक्रगुजार होना चाहिए कि मीडिया के थ्रू जो है पूरी जनता तक जाता है. तो मुझे ऐसा लगता है पूरी दुनिया में ये केसेस होते हैं सुसाइड के, खाली बॉलीवुड में नहीं होते हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री में नहीं होते हैं. क्योंकि रीज़न ये है कि स्टार्स फेमस होते हैं और जब उनका कोई ऐसा, जब ऐसी कोई एक्टिविटी होती है, ऐसी कोई मिसहैपनिंग होती है, ऐसी कोई हरकत होती है, तो वो सामने ज़्यादा आ जाती है. तो हमें लगता है हाँ हाँ दिव्या भारती का हुआ और वो फला मॉडल का हुआ था, और अब देखो प्रतीक्षा बनर्जी का भी हो गया. इसका मतलब ये इंडस्ट्री गंदी है और यहाँ पे लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं और इस तरीके की चीज़ें होती हैं. इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? एक मिनट सामने लोग चल रहे हैं.